नाव पे जैसे यीशु मसीह चढ़ा सारी आंधी तूफान खत्म। यीशु मसीह जैसे ही मेरे जीवन में आया सारी आंधी तूफान खत्म, सारा कंफ्यूजन खत्म, सारा डायलमा खत्म, सारी बुरी विचार खत्म, सारी बुरी योजनाएं खत्म, बुरी चाल खत्म, बुरे काम खत्म, सारी चीजें अच्छाई की ओर, सारी चीजें उजियाला की ओर, सारी चीजें उसके भले के लिए, सारी चीजें दूसरों के लिए दुआ करने के लिए, सारी चीजें दुआ के जिंदगी के लिए, सारी चीजें प्रचार करने के लिए, सारे समय उसको देने के लिए, सब कुछ मेरे पास है उसको अर्पित करने के लिए तैयार। आज के दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रभा के इस गीत के द्वारा अपने कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को नमस्कार। जय मसीह की। यीशु साए। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आज अवसर दिया कि आपके साथ फिर मिल सकें और उसके वचन से कुछ हम सीख सकें। मैं आज आपके साथ में विशेष रूप से आंधी तूफान के बारे में बात करना चाहता हूँ। स्टॉर्म जिसको कहते हैं, स्टॉर्म ये हमारे जीवन में है, आता है। ऐसा कोई नहीं है कि जिसके जीवन में ये आंधी तूफान ना आया हो, उतार चढ़ाव ना आया हो। आंधी का मतलब, तूफान का मतलब, मैं एक उतार चढ़ाव को लेकर बात करता हूँ। जैसे लहरें उतरती चढ़ती हैं, वैसे हमारे जीवन में भी कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। अपने जीवन के अनुभव में मैंने देखा है, आपने भी देखे होंगे, कई खुशियों के पल आते हैं, कई दुख के आते हैं, कई पछताने की चीज जब सवाल उठता है, कहीं पर ना पछताने की बात होती है, कहीं बेगुनाह होके फंसते हैं, कहीं गुनाह करके फंसते हैं, कई किस्म की परेशानियां होती हैं। लेकिन ये स्टॉर्म्स हमारे जीवन में कई प्रकार के आती हैं। एक मैं आपको बताऊँ, एक स्टॉर्म जिसको बताते हैं सरकमस्टेंशियल स्टॉर्म बोलते हैं, जो परिस्थितियों के अनुसार आने वाली आंधी या तूफान जो है, ये ऐसा है कि यू कांट कंट्रोल इट। मैं उसको नियंत्रण नहीं कर सकता हूँ। जैसे हवा है, पानी है, आंधी है, बिजली है, तूफान है, ये आया है, नेचुरल है, आता है, इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। ये आता ही है जीवन में। जैसे कि हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, ये हमारे जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हाँ आते हैं, और इसको लेकिन मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन ये परिस्थितियों के अनुसार है, ये आती है, उतार चढ़ाव होता है। सोशल है, और उसके बाद हमारे देखे एजुकेशनल है, प्रोफेशनल है, कई प्रकार के तूफान स्टॉर्म्स हमारे जीवन में आती हैं। और दूसरा एक स्टॉर्म है जो कि स्टॉर्म ऑफ फियर बोलते हैं, जो कि डर है। डर कैसे? मरकुचति सुसमाचार उसका चौथा अध्याय और उसका 40वां वचन देखिए, मैं निकाल के पढ़ता हूँ। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं? ये
यहाँ पर आंधी तूफान को प्रभु यीशु मसीह ने रोका, उसके बाद भी ये डर गए, और डर के मारे ये है। तो एक स्टॉर्म है जो कि हमारे ऊपर डर का आता है। हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, घटनाएं होती हैं जिसमें हम डरते हैं। और उसी देखिए, पहला चीज सरकमस्टांसेस के अनुसार स्टॉर्म आता है, और दूसरी चीज जो है एक फियर और डर के कारण एक स्टॉर्म आता है, और ये दोनों मिलके जो बनते हैं ये कहते हैं कि थियोलॉजिकल स्टॉर्म्स है। कैसे? स्पिरिचुअल स्टॉर्म जिसको बोलते हैं, आत्मिक तूफान जिसको हम बोलते हैं। ये भी मरकुचची सुसमाचार और इसके चौथे अध्याय के 38वें वचन को पढ़ता हूँ। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे जगाकर उसे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? एक स्पिरिचुअल चीज आ गई, मतलब नाउ वी आर क्लेमिंग, हम एक क्लेम कर रहे हैं। क्या तेरे को फिक्र नहीं है हमारी? हम ऐसे दुआ करते हैं ना, क्या तू हमको नहीं जानता? तुझको करना पड़ेगा, तुझको देना पड़ेगा, मैं तेरा विश्वासी हूँ, मैं इतनी छुट्टियां लेकर तेरा काम करता हूँ, मैं बिना पैसा लिए तेरा काम करता हूँ, बिना नाम के काम कर। अरे तू अपना काम 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 गिरा रहा है, लेकिन उसके काम को कभी अप्रिशिएट किया है क्या? जिसने तेरे जीवन में सारी चीजें दी है, इसको कभी अप्रिशिएट किया है कि खुदा तू मुझे जीवन दिया है, तू मुझे आयु दिया है, तू मुझे घर दिया है, तू मुझे परिवार दिया है, तू मुझे नौकरी दिया है, दो टाइम का खाना मिल रहा है, मैं खुश हूँ, भूखा नहीं हूँ, देखो मेरे सारे अवयव ठीक है, हाथ पैर ठीक है, आँख ठीक है, कान ठीक है, नाक ठीक, सब कुछ है, सेंसेशन है मेरे अंदर में, होश है, सब कुछ है। ये सारी चीजों के लिए धन्यवाद देने की जगह हम दूसरे प्रकार कहते हैं कि तेरे को फिक्र नहीं है, तो सो रहा है यहां पर, हम लोग मर रहे हैं यहां पर, ये एक स्टॉर्म है। अब देखिए, ये एक स्टॉर्म जो है, अभी हम ये तीनों बताने, एक तो सर्कमस्टेंसेस के अनुसार आता है, एक फियर के अनुसार होता है, ये दोनों मिलके हमारे ऊपर एक स्पिरिचुअल स्टॉर्म आ जाता है, आत्मिक तौर से भी हमारे ऊपर एक तूफान आ जाता है कि हम घबरा जाते हैं और क्लेम करते हैं, कुछ भी करते हैं, और क्या दुआ जो नहीं मांगना चाहिए वो मांग लेते हैं, ये सारी चीजें आती, ऐसी उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आते हैं। अभी फिलहाल हमारे जीवन में देखिए, COVID-19 जो है, ये जो स्प्रेड हो रहा है, ये किस प्रकार का स्टॉर्म, ये भी एक स्टॉर्म है, एक परेशानी है, एक चीज है, एक दिक्कत है, एक पैंडेमिक है। और ये देखिए, इसमें क्या है कि कई प्रकार की चीजें हम इसको देख सकते हैं, मतलब टेरर है, टेरिफाइड है, घबराए हुए हैं लोग, डर के मारे हैं, कैसे होगा, मौत से डरने लगे हैं। क्यों डरने लगे हैं? क्योंकि एक महामारी फैली हुई है, इसमें कैसे हो सकता है? लेकिन इसमें भी सोचना कि हम क्यों घबरा रहे हैं, हमारे नाव में ही यीशु मसीह सोया हुआ है, हमारे नाव में ही है, हमारे घर में ही यीशु मसीह है, मेरे अंदर में ही यीशु मसीह है, मेरे पास में ही यीशु मसीह है, एंड आई फील दैट जीसस इज विथ मी, मेरे साथ में है। उसके बाद भी मैं कहता हूं तुझे फिक्र नहीं है, कितना ये हो रहा है, एवरी स्टॉर्म हैज कम टू इंक्रीज माई फेथ, हर एक स्टॉर्म जो है मेरे विश्वास को, मेरे जीवन को आगे बढ़ाने के काम को ही किया है, और कभी भी पीछे नहीं हटा। देखिए, जब भी स्टॉर्म आते हैं ना, तो ये जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही है। समुद्र में जो तूफान आया वो भी परमेश्वर की इच्छा से ही है, यीशु मसीह की आज्ञा से वो रुक गया, ये भी परमेश्वर की इच्छा है। सारी चीजें नियंत्रण में है, सारी सृष्टि उसके अधीन में है, और सारी चीजों को, हवा पानी आंधी सबको सबको वो जो है कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि देखिए, ये मत्तयी सुसमाचार 7वें अध्याय के 24 वचन को अपने को बहुत कॉमन है, हम मानते हैं, क्या बोलते हैं, होशियार है चट्टान पर मकान बनाया, और एक मूर्ख है जो कि रेत पे मकान बनाया, आंधी तूफान आई, पानी बरसात आया, क्या हुआ, चट्टान वाला मकान बच गया, रेत वाला मकान जो है टूट के बह गया। मतलब ये क्या हुआ, ये तूफान उस चट्टान वाले पर भी आया, ये तूफान जो है रेत वाले पर भी आया, जो ये तूफान जो है और अच्छे आत्मिक इंटेलिजेंट के ऊपर भी आया, और ये तूफान जो है एक मूर्ख के ऊपर भी आया, मतलब सबके ऊपर आया, योर सेव्ड अनसेव्ड जो भी है सबके ऊपर जो है ये तूफान आएगा, इन जनरल आएगा। लेकिन मैं यदि प्रभु यीशु मसीह मेरे पास में है, वो रोक देगा, और जैसे ही रुकेगा सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। देखिए, इस संसार में जो है, वी शुड नॉट एक्सपेक्ट दैट एवरीथिंग इज प्लेजेंट एंड जॉयफुल, और बहुत ही प्लेजर कलरफुल लाइफ है क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। नहीं,
विलियम राइस ने, जो कि सोर्ड ऑफ द लॉर्ड मैगजीन के एडिटर थे, जो अब नहीं रहे पर प्रभु के पास में है, ये जॉन विलियम राइस क्या बोलते हैं मिनिस्ट्री के बारे में बोलते हैं, इट इज नॉट बेड ऑफ रोजेस बट इट इज बेड ऑफ थॉर्न्स, कांटों का सेज है, फूलों का नहीं है, मामूली बात नहीं है। एक ही क्योंकि ट्रिबुलेशन से जॉन यूहन्ना 16 और उसके 33वें अध्याय में, उसके 33वें अध्याय में क्या कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। मैंने तुमसे कहा है कि तुमको शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, माइंड इट, ध्यान से सुनो, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। I have conquered the world. विक्ट्री दिखाता है, विजय बताता है, मैंने संसार को जीत लिया है। ये क्यों जीत लिया है? प्रभु यीशु मसीह कहां जीत लिया है? सलीब पर जीत लिया है। कैसे जीत लिया है? हमारे लिए जीत लिया है। कैसे किया है? ये पैंडेमिक जो आया, ये जो COVID-19 आया है, इसमें क्या हुआ? सारे लॉस हो रहे हैं ना, नुकसान नुकसान। क्या नुकसान है हमारे ऊपर? देखिए, इकोनॉमिकली नुकसान है, फाइनेंसेस के अनुसार नुकसान है, हेल्थ वाइज नुकसान है, और जैसे सोशल ये नुकसान है, हमारे चर्चेस बंद है। ये बात बताऊं, चर्चेस बंद है वाला जो है, मैं देख रहा था कि अभी यहाँ के हाउस ऑफ फेलोशिप वाला जो कार्मेल चर्च का दिल्ली में है ना, उनके ब्रदर से मैं बात कर रहा था, वो बोले कि साहब फास्टिंग प्रेयर में हमारे इसमें 5-10 लोग आते थे शुक्रवार रात को करते हैं, लेकिन अब जो है 40-50 हो गए हैं। कैसे? ऑनलाइन में प्रेयर में आते हैं, चाहे जैसा भी हो, कम से कम आते हैं, अटेंड करते हैं। रोज मीटिंग चल रहा है, हर जगह मीटिंग चल रहा है, जूम में चल रहा है, सब में चल रहा है, लेकिन मतलब व्हाट्सएप में चल रहा है, मैसेजेस चल रहे हैं, फेसबुक में चल रहा है, जहां खोलो मिल रहा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ है, योग्यता के अनुसार काम करो, और उसका हिसाब हमको देना भी पड़ेगा। मैं प्रीच करता हूं तो मुझे हिसाब देना पड़ेगा, सबसे पहले हिसाब मुझे अपना देना पड़ेगा, ये याद रख के मुझे काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये मामूली चीज नहीं है। संसार में तुम्हारे जो है ट्रिबुलेशंस हैं, लेकिन याद रखना कि आई हैव कॉन्कर्ड द वर्ल्ड बोलता है। डैमेजेस होते हैं, लेकिन डैमेजेस को क्या करता है? वो कवर करता है, रिकवर कर देता है। जितने भी नुकसान मेरे हैं, वो सारी चीजों को रिकवर कर सकता है। अब क्या कहा उसने? अब मत्ती 8:26 में निकाल के आप पढ़ के देखिए, वहां पर कहता है, उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? ये भी तूफान का ही है, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। क्या बात है, आंधी और तूफान को डांटा और शांत हो गया। एक चीज आप देखिए कि यहां पर ये जहाज के, जैसे मरकुस में पढ़ा ना, ये 34 अध्याय 35 से लेकर आप चाहे उसके अंत तक, आप 41 तक आप बाद में आराम से बैठ के पढ़ना, और जैसे मेरे विचार है उसके अनुसार आप सोच के देखना कि तब बड़ी आंधी आई, सही से वचन में बोलता है, और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भर जाती थी, है, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, यीशु मसीह सो रहा था, और क्या हुआ, यहाँ तूफान आ रही, पूरा पानी भरते जा रहा है, चेलों को कुछ पता नहीं चल रहा। ये कब देखे? जब देखे तब उन्होंने जाग कर उस पर, 38 कहता है, वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे जगा कर उसे कहा। मेरे को लगता है कि दे हैव फॉरगॉटन दैट जीसस इज विद हिम, ये भूल गया कि यीशु मसीह मेरे साथ में है। ये लोग भूल गए कि यीशु मसीह मेरे हमारे साथ में है। और कैसे? मेरे को लगता है आंधी तूफान में बिजली चमकी, और जैसे ही बिजली चमकी तो यीशु मसीह दिखा होगा कि यहां पर है, तब ठनका होगा। कभी कभी हमारे जीवन में बिजली चमकती है, आंधी आती है, ये सारी चीजें फायदे के लिए होता है। बिजली चमकी अंधकार में रोशनी दिखाने के लिए, डराने के लिए नहीं। तुम डर गए बात दूसरी है, लेकिन ये यीशु मसीह को दिखा रहा है। यीशु मसीह को तुमने देखा, और देखने के बाद वो बोले, गुरु तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? अब गुरु याद आया तेरे को, नष्ट हुए जाते हैं, याद रखना। जैसे कि मत्ती के 8:26 वचन में भी मैंने कहा, उसने कहा, हे अल्प विश्वासी हो, तुम क्यों डरते हो? क्यों? क्या मतलब? कैसे तुम छोटे से विश्वास वाले आदमी लोग, तुम क्यों डरते हो? क्योंकि मैं हूं तुम्हारे साथ में, और जब मैं हूं तो फिर कोई डर की बात नहीं है। देखिए, लाइफ में हमारे सडन चेंजेस आते हैं, स्टॉर्म्स जो है बता के नहीं आते। कभी मैं कुर्दा में था,
उड़ीसा में खड़गपुर से वहाँ मीटिंग लेने गया। खुर्दा में लास्ट मीटिंग खत्म हुई और जल्दी जल्दी खाना खा रहा था मीटिंग खत्म करने के बाद, क्योंकि 9 बजे करीब 9 बज गया था, 9:30 बजे ट्रेन थी मेरी। और जब जैसे ही खा रहा था, लड़के लोग कुछ जवान दौड़ के आए, बोले अंकल जी ट्रेन कैंसिल हो गया। क्यों? पूरी में जो है तूफान आ गया, तब ट्रेन कैंसिल हो गए। मैं तो रुक गया, एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, हफ्ता भर हो गया, कुछ पता नहीं। पेड़ उड़ रहे हैं, टिन्ने उड़ रहे हैं, छत उड़ रहा है, लोग परेशान हैं, मतलब बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। 6 दिन बाद रुका, जिस घर में मैं था वो बेचारे बहुत परेशान थे। मैं उनको बोलता था, प्रीचिंग करता तो कुछ खाता था, अब बिना कुछ किए आपके साथ खा रहा हूँ, आपके सिर पे बैठा हूँ। हंसते भी थे, और ना रेडियो है, ना फोन है, ना कुछ। उधर घर में सब परेशान है, राजनांदगांव में पूरा परेशान है लोग, कि मर गया है कि जिंदा है। जब पहली ट्रेन चढ़ी ना, तो याद रखिए वो मतलब पोर्टर्स वगैरह जाके सिग्नल से ट्रेन को लेके आते थे, सिग्नल वगैरह, बिजली वगैरह बंद था और देर से चलती थी, जो भी है, जैसा भी करके ट्रेन आया। और मैं चढ़ा, AC 3 में मेरा रिजर्वेशन था, पूरे कंपार्टमेंट में मैं और टिकट कलेक्टर सिवा कोई नहीं था। और ये ट्रेन विजयनगरम से होते हुए, महासमुंद होते हुए, कार्य करते 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 राजनांदगांव रात को 11:30 बजे पहुंचा। वहां एक लड़का, मेरे लड़के का दोस्त जो है, वो घूम रहा था कि पहली ट्रेन आ रही है, शायद पापा आएंगे। मेरे को देख के मेरे पैर पे गिर गया जिंदा होकर के। दूसरे दिन मैं घूम रहा था, जहां देखो मेरे को पलट पलट के लोग देख रहे थे कि जिंदा वापस आ गया। ये स्टॉर्म है, बता के नहीं आता, अचानक आता है। कैसे अचानक आया? लेकिन भयंकर आया, भयानक। अचानक और भयानक बोलते हैं ना, वैसे वो हो गया। जैसे अब जब जैसे देखिए इसराइलियों को देखो, जैसे वहां पर राजा के सामने प्लेग्स आते थे ना, जितने भी विपत्तियां आती थी, एक एक विपत्ति आती थी और वो घबरा के बोलता था अब जाओ छोड़ दूंगा, फिर उसके बाद हुआ, फिर नहीं छोड़ूंगा, फिर विपत्ति आई, फिर मतलब ये विपत्ति आती थी, जाती थी, छोड़ता था, नहीं छोड़ता था, अपना मन बदल लेता था, सब कुछ करता था। और ये खुद जो है राजा जो है कंफ्यूज हो गया था। लेकिन एक चीज देखना, यदि ये छुटकारा होने के पहले, ऐसा सोचता हूँ, इसराइलियों का छुटकारा होने के पहले उनके पास जाके एक महीना या कुछ 15-20 दिन पहले मैं जाके कोई जाके बोलता कि हे सारे इसराइल बंधुए लोग, तुम लोग बंधुआई से छूट जाओगे, क्योंकि तुम अब मूसा तुमको लेके जाएगा प्रॉमिस लैंड में, तुम कनान देश में जाओगे, जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और जहां पर शांति है, अमन है, तुम आजाद रहोगे। तो क्या बोलते लोग वहां? छोड़ो, बेकार बकवास करते हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये फरो होने नहीं देगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता जिंदगी में, आप क्या बकवास करते हो। ये होता विश्वास, हो गया बात दूसरी है, होने के पहले क्या हुआ। हाजी देखिए, हम भी यही सोचते हैं कि यह यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या है, कि ये स्टॉर्म जो है अचानक आता है। जैसे अमेरिका में 9/11 बोलते हैं, शांत था, सब कुछ ठीक था, बोले नीला आसमान था, बहुत शांत था, सारी चीजें थी, ट्रेड सेंटर था, सब कुछ चल रहा था, अचानक आया और भयानक हो गया। फटाफट सारी दुनिया में न्यूज फैल गई, टीवी में, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से। वैसे ही बॉम्बे के ताज का 26/11 को देखे, क्या हुआ, क्या भयंकर हो गया, क्या आतंकी लोग घुस गए, क्या हुआ, भयानक तूफान आ गया। ये जीवन है, इसमें बिना बताए आता है, अचानक आता है, भयंकर आता है। ऐसे ही अभी हम भी परेशान हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है और हमारे साथ में है। इसमें दो चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहली चीज देखिए कि यीशु मसीह जो है नाव में था, ये तो मरकुस में मैंने आपको पढ़ा के बताया। जब यीशु मसीह नाव में था तो लोग भूल गए, और इब्रानियों के खत 13:5 में कहता है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष कर। बहुत बड़ी चीज है यार, ये दिस फैक्ट रियली, मैं बोलता हूँ इसको फील करना चाहिए, इसको मैं हरदम प्रीच करता हूँ, मेरे मुंह से निकल ही जाता है सब कुछ है, क्योंकि मैं जीवन में प्रैक्टिस करना चाहता हूँ इस चीज का, कि जो कुछ मेरे पास है उससे संतोष करो। ये सबसे बड़ी कमजोरी हमारी मनुष्य की ये है, आदम का बीज ये कहता है, जो कुछ मेरे पास नहीं है उसकी चाहत करो, जो कुछ मेरे पास है उसकी कदर मत करो। ये हमारा जीवन है, जिसको क्या बोलते हैं हम, शेमलेस क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ,
टैंकलेस क्रिएचर्स हम हैं। और देखिए मतलब यहां पर हमको ये बोला गया है कि तुम्हारे पास जो है उस पर संतोष करो। आई शुड बी सैटिस्फाइड विद व्हाट आई एम हैविंग, दैट इज एज पर माय कैलिबर, मेरे अनुसार मेरे को मिला है, मेरी योग्यता, मेरी जो जो शक्ति, मुझे जो चाहिए उसके अनुसार मिला है, उसको मुझे देखना है। और उसके बाद क्या बोलता है, क्योंकि उसने आप ही कहा है, क्या कहा है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। बोलते ओरिजिनल जो उसका स्क्रिप्ट है ना, उसमें कभी को 5 बार बोला, कभी 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 करके लिखा करके मैंने कहीं पढ़ा था, और इट इज करेक्ट आई डोंट नो, लेकिन ये चीज पढ़ा हूं। मतलब ये है कि कभी 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 तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एक चीज और देखना, और एक वचन मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, वो है यर्मिया उसका 23 और उसके 23वें वचन को, इसको याद रहेगा ना, 23 याद रखना। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं निकट ही रहता हूं? क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं निकट ही रहता हूं? और आगे उस अध्याय में आप पढ़ के देखना, आगे लिखा है कि कोई छुप नहीं सकता मेरे से। तू कहीं भी चला जा, 139 भजन पढ़ के देख ले, कुछ भी कर ले, तू छुप नहीं सकता, क्योंकि मेरे अंदर की एक एक चीज को खुदा जानता है, तुम्हारे अंदर के एक एक कमी को खुदा जानता है, तुम्हारी एक एक आवश्यकता को खुदा जानता है, तुम्हारी एक एक बरकत को खुदा जानता है, तुम्हारे एक एक काम को खुदा जानता है, तुम्हारे विचारों को खुदा जानता है, हमारे आलोचना विचारों को सबको, वॉट एवर वी थिंक गॉड नोज मोर देन वॉट आई नो माई सेल्फ, ही नोज अबाउट मी, मेरे बारे में, वो मैं जितना अपने को नहीं जानता उससे ज्यादा खुदा मेरे बारे में जानता है, आपके बारे में जानता है। इसलिए हम छुप नहीं सकते, लेकिन एक चीज देखना कि जीसस इज इन योर बोट, इसको ख्याल रखना। ये जो बिजली चमकती है, हमारी आंखों में रोशनी आती है, हमें दिखता है, लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं, लेकिन है भी तो क्या बोलते हैं, क्या तुझे हमारी फिक्र नहीं है, क्या तू नहीं करता, कहाँ है खुदा। ये भी लोगों को मैंने बोलते दुख में बोलते हैं ना, कोई मर गया था उसके घर में, वो बोलता कहां है परमेश्वर, जो दिया है तब कहां है परमेश्वर, अब लिया है तो कहां है परमेश्वर। आयुब क्या कहता है, उसने दिया और उसने लिया, he has given, he has taken, thanks to his name, धन्यवाद उसको हम देते हैं। याद रखना कि यहां पर बिजली जो चमकी, यीशु दिखा, और यीशु कहां दिखा, नाव के अंदर में दिखा, और कैसे हुआ, नूह का जीवन कैसे बचा, तूफान से बचा, योना का जीवन कैसे बचा, तूफान, अरे योना जब गया वो भी तो नीचे तले में था, और योना के कारण यहां पर चले आ रहा, वो कैप्टन जाके बोलता, अरे तू सो रहा, यहां पर मर रहे हैं हम लोग, क्या हो रहा है, तो बोले मैं ही दोषी हूं, मेरे को फेंको। जब फेंके तो मगरमच्छ उसको खाया, बड़ी मछली, बिग फिश कहता किसी भी कुछ ट्रांसलेशन में, खा लिया। खाने के बाद 3 दिन वो उसमें कैसे था आई डोंट नो, कई प्रकार के मैं इमेजिनेशन करता हूं, घुटना टेकता होगा, दुआ करता होगा, प्रेज द लॉर्ड बोलता होगा, और क्योंकि मरता क्या नहीं करता उस समय, दुआ के सिवा क्या है उसके पास, खुदा को याद करता होगा, ये तो उछल कूद कर रहा अंदर स्पिरिचुअली, और उधर मछली के हड्डी पसली टूट रही, बाकी मछली लोग पूछते होंगे अरे क्या कर रहे हैं, इसको तोड़ताड़ खा के बंद कर इसको, ऐसे लोग को, कई लोग को हाथी तक निकल जाते हैं, इसको क्या छोड़ रहा। बोले नहीं, वो बात दूसरी, ये बात दूसरी, परमेश्वर की आज्ञा है, उसने मुझके कहा जब तक मैं नहीं बोलूंगा रखे रहना, और सीधा ले जाके कहा वहीं उगल दिया जहां उसको जाना था, पहुंचा दिया वहां। ये परमेश्वर है, ये है योना है, ये नाव के अंदर में है, ये यीशु मसीह है, ये नाव के अंदर में है, यहां पर घबरा रहे हैं, और उसको बोले कहां पर, तो जीसस बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूं। देखिए भाई एक बात निकालने बताने की कोशिश करता, देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 21 वचन में देखिए क्या लिखा है, अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए। जब यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहा था ना, तब उसकी बात को ये बताता है, वो ये जॉन 6 चैप्टर को आप पढ़ के देखिए, 2 मछली 5 रोटी वाला है, उसके बाद ये दिया है, और ये क्या बोलता है, अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए, और तुरंत वह नाव पर उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। मतलब जहां जिनको जाना था वहां पर नाव तुरंत पहुंच गई, जैसे यीशु मसीह चढ़ा सारी तूफाने वगैरह सब रुक गई, पतरस जो चला वो सब मालूम हमको, वो सब मैं छोड़ के बता रहा हूं, नाव पे जैसे यीशु मसीह चढ़ा सारी आंधी तूफान खत्म,
यीशु मसीह जैसे ही मेरे जीवन में आया, सारी आंधी तूफान खत्म, सारा कंफ्यूजन खत्म, सारा डायलमा खत्म, सारी बुरी विचार खत्म, सारी बुरी योजनाएं खत्म, बुरी चाल खत्म, बुरे काम खत्म, सारी चीजें अच्छाई की ओर, सारी चीजें उजियाला की ओर, सारी चीजें उसके भले के लिए, सारी चीजें दूसरों के लिए दुआ करने के लिए, सारी चीजें दुआ के जिंदगी के लिए, सारी चीजें प्रचार करने के लिए, सारे समय उसको देने के लिए, सब कुछ मेरे पास है उसको अर्पित करने के लिए तैयार। यहां पर जैसे ही उसको चढ़ाए, ये नहीं लिखा कि चलते 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 गए, लेकिन कहां सीधा फटाक से पहुंच गया। जैसे योना फटाक से अपने जगह पहुंचा है, वैसे ही निगली उगली उसको उगल दी और वैसा वो गिरा, वैसे यहां पर यीशु मसीह चढ़ा और ये जाके किनारे लग गए जहां जाना था। मैं इसको पढ़ता हूं ना, कभी लगता है कि जीवन का अंत होगा तो मैं सीधा वहीं जाऊंगा जहां यीशु मसीह मुझको ले जाना चाहता है। अनंत जीवन, अनंत राज क्या होगा, आई एम लॉन्गिंग फॉर दैट। याद रखना, एक ना एक दिन वी हैव टू फेस इट। क्या होता है कि इट इज अपॉइंटेड अनटू मैन वांस टू डाई एंड फेस द थ्रोन ऑफ जजमेंट। एक बार मरना जरूरी है और न्याय के सिंहासन के सामने जाना जरूरी है। ये सारी चीजें हमको मालूम है। हम ये भी बोलते हैं चार दिनों का जीवन है, चार दिनों की जिंदगी है, क्या रखा है दुनिया, ये सब डायलॉग बोलते हैं यार, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होता है। मर जिए कमाने के लिए, लंथ-फंथ करने के लिए, ईर्ष्या कपट द्वेष जलन जितनी सारी चीजें हैं सब हमारे अंदर में कूट कूट के भरे वो निगलते जाते हैं और प्रेज द लॉर्ड भी बोलते हैं। ऐसे में नहीं होता है। याद रखना, हमको अंदर से बदलना पड़ेगा, हमारे जीवन को अंदर से बदलना पड़ेगा। और यीशु मसीह जो है नाव के अंदर इधर है और पानी पे चल रहा है। दोनों तूफाने हैं, दोनों तूफानों को मैंने बताया है आपको। ये दोनों तूफाने जो है हमारे जीवन में आती है और जब हमारे अंदर में प्रेयरफुल लाइफ होता है, जब हमारे अंदर में सबमिसिव लाइफ होता है, जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं, जब अपने आप को उसके चरणों पर रखते हैं, तो उसके दूत हमारी सुरक्षा करने लगती है। जैसे कि प्रेरितों के काम 27 अध्याय और उसके 22 वचन, 21-22 वचन में जो है आप पढ़ के देखना उसमें क्या लिखा हुआ है। 27 को पढ़ के तो 14 दिन तक नाव में था, कैदियों के साथ जा रहा था, 14 दिन तक ये परेशान है नाव में, गड़बड़ कर खाना पीना नहीं। और लेकिन पौलुस बोलता है इस वचन में, क्या बोलता है कि डरो मत, परमेश्वर के दूत ने मुझसे बोला तुझे राजा के सामने जाना जरूरी है, खड़ा होना जरूरी है, तुम में से किसी की कोई हानि नहीं होगी, जहाज भले ही टूट टाट के खत्म हो जाए, इसके टुकड़े टुकड़े पर तुम यात्रा करके सैर तो पहुंच जाओगे, लेकिन बचोगे तुम लोग। इसलिए घबराओ मत, शांत रहो और आनंदित रहो, क्योंकि प्रभु के स्वर्गदूत ने मुझे बताया है। ये कितना कॉन्फिडेंस है अपने अंदर, कैसे भी करके खुदा जो पौलुस के जीवन के द्वारा वो बताता है। याद रखना कि प्रेयरफुल जीवन हमारे आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाता है। अनलेस अंटिल यू प्रे यू कांट प्रोग्रेस स्पिरिचुअली। हम स्पिरिचुअली स्ट्रेंथन नहीं हो सकते हैं, आत्मिक तौर से नहीं हो सकते। हमारी दुआएं दिखाने की हो सकती है, लेकिन कैसे होगा, क्योंकि एक देखिए एक सबसे छोटी सी छोटी दुआ जिसको बोलते हैं ना, वो ये यहाँ पर ये लूकर रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसके 13वें वचन में देखिए, 7 वर्ड्स का प्रेयर बोलता है दिया है वहां पर। क्या होता है, परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, 7 वर्ड जिसको बोलते हैं स्मॉल SMS बोलिए, या टेलीग्राफिक प्रेयर बोलते थे शुरू में, अब तो टेलीग्राम तो रहा नहीं, SMS प्रेयर कहिए, या जिसको आप जैसे क्विक ट्रांसफर वाला प्रेयर करिए, ये तुरंत ट्रांसफर होके ये चले जाता है और ये उसके ऊपर जाके परमेश्वर का कवच जो है हमारे ऊपर आ जाता है। क्योंकि चुंगी लेना वाला और फरीसी है, लंबा चौड़ा दुआ किया फरीसी, मैं ये देता हूँ, मैं वो देता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, जैसा कि हम लोग प्राय करते हैं। हम उसके बारे में हंसते हैं, बोलते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम करते हैं कुछ, हम क्लेम करते हैं। क्या क्लेम करते हैं, क्लेम करने के लिए क्या मेरे पास है, मैंने क्या किया है, मुझ पर क्या क्या, तूने क्या नहीं मुझ पर किया और मैंने तेरे लिए क्या किया है, एवेल्युएट करके देखो, कंपेयर करके देखो। कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध आपस में नहीं है। याद रखो क्या बोलता है कि खुदावन तू जब मेरे साथ में है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। पौलुस कहता है कि परमेश्वर हमारे साथ में है, याद रखना तुम्हें कोई भय की बात नहीं है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि उसका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है।
ग्रेस इज गेटिंग व्हाट वी डोंट डिजर्व, मतलब ग्रेस जो है, दया जो है, जिसके लायक हम नहीं है, वो हमें देता है जो कि सेल्वेशन दिया है। मर्सी इज नॉट गेटिंग व्हाट वी डू डिजर्व, मर्सी क्या है, दैट इज व्हाट वी डोंट डिजर्व, मतलब गिविंग दैट थिंग व्हिच वी डोंट डिजर्व, हमें मिलना था उसे हमें नहीं मिलने दिया, हमसे बचा लिया, या पाप कहिए, पाप की सजा, पाप से हमें बचा लिया, ये क्या किया उसने, मर्सी दिखाई, ग्रेस है, कृपा दिखाई, दया दिखाई, दिखा के हमें उसने बचा लिया है। और ये बचा है कैसे, ये हमें गुलामी से बचा के निकाला है, इसराइलियों को जैसे निकाला है, मैंने बताया है कि 400-500 साल की गुलामी से निकाल कर वो निकाल के आगे लेते गए, और कैसे किया, जहां पर वो पहले थे गुलामी में थे, खाने को नहीं था, खाने को मरते थे, भूखे रहते थे, अब ये जो है यात्रा कर रहे हैं, लेकिन यात्रा जो है घुमा फिरा के ले गया, ये जंगल से होके जा रहे हैं, जंगल में इनको जो भूख लगी, इनको ऐसा खाना दिया कि ये कभी जिंदगी में ऐसा खाना मिल नहीं सकता था, मन्ना दिया, और वो खाना कितना दिया, जितनी आवश्यकता है उतना दिया यात्रा में। और आगे तीसरी चीज जो है, जब वो प्रॉमिस लैंड में हम पहुंच जाएंगे, इफ रात में जो चाहिए वो मिल जाएगा, भरपूर भरपाई, स्वर्गीय जीवन, स्वर्ग, अनंत जीवन, ये चीज हमको देने वाला है। याद रखो, ये चीजें परमेश्वर हमें देने के लिए प्रॉमिस करता है। मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूं, जॉन न्यूटन, जो कि अमेजिंग ग्रेस का गाना जो हम गाते हैं ना, वो गाना जो है ये न्यूटन ने, जॉन न्यूटन ने लिखा है। ये न्यूटन जो है बहुत ही बेकार आदमी था, और ये जो नाव में जाता था, ले जाने आने काम करता था, और नाव में जितने भी लोग थे ना, सो लोग, कैदी वगैरह जितने भी है, वो सब ये सोचते थे कि हमको कभी मौका लगे और कहीं हम भटक जाएं, और ये जो कैनिबल्स टाइप का, हमको आदमी कुछ नहीं मिलेगा, आदमी को काट के खाना पड़ेगा, एक दूसरे को खाना पड़ेगा, ऐसा मौका आएगा तो सबसे पहले ये जॉन न्यूटन को हम मारे के खाएंगे, क्योंकि इसको मार के खाओ कोई पाप नहीं लगेगा, ईश्वर बल्कि खुश होगा कि ये मर गया है, इतना ऐसा टाइप का आदमी था। तूफान आया, भयंकर तूफान आया, ये परेशान था, बुझा के आगे पीछे घूम फिर के न्यूटन क्या बोलता है, और बोले कि पंपिंग करो, ये करो, सब कुछ किया, पर्दे खोलो, बदलो, डायरेक्शन बदलो, ये करो, वो करो, सब कुछ किया, और सब कुछ करने के बाद भी नहीं पड़ा तो उसके मुंह से घूमते फिरते निकल गया कि लॉर्ड्स मर्सी कैन ओनली सेव अस, लॉर्ड्स मर्सी कैन ओनली सेव अस, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की कृपा ही हमें बचा सकता है। बोल तो दिया, और देखा कि तूफान रुक भी गया, शांत हो गया, बोले सारे पतवार जीते भी ये पर्दे खोलो, चलते जाओ। फिर वो घूम फिर के परेशान था कि क्या है, क्या बोल दिया मैं, क्या बोल दिया, क्या बोल दिया। उसके बाद बाइबल पढ़ने लगा, बाइबल पढ़ने लगा, पवित्र आत्मा ने काम किया, और पवित्र आत्मा ने काम किया तो फिर उसके बाद वो बहुत आगे बढ़ गया, बहुत आगे काम किया, गीत कई लिखे, कई प्रकार की गीत लिखे। और ये जॉन न्यूटन जो है, जब भी अमेजिंग ग्रेस गाएं या हम सुने, तो याद रखना जॉन न्यूटन को याद रखना, और वो तूफान को याद रखना जिसके कारण से जॉन न्यूटन बच गया है। मेरे अजीजों, हमारे भी जीवन में ऐसे ही कई तूफाने आती हैं, और ये तूफान क्यों आती है, तूफान हमारे प्रमोशन के लिए आती है। ये पैंडेमिक क्यों आती है, हमारे प्रमोशन के लिए आती है। ये कोई भी चीज टिकने वाला नहीं है, सब शांत हो जाएगा। लेकिन इसराइलियों को बोलते कि तुम छूट जाओगे तो बोलते बकवास कर रहे हो, वैसे ही हम बोले कि ये सारी चीजें परमेश्वर शांत कर देगा तो बोलेंगे हो नहीं सकता, कैसे बोलते हो अभी, लेकिन विश्वास करो और मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब अंतरात्मा से, अंदर से, दिल के अंदर से आवाज आएगी, हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, आई अप्रिशिएट दैट, तुमको करना चाहिए, हम अपने पासवान के लिए, अपनी कलिसिया के लिए दुआ करते हैं, आई अप्रिशिएट दैट, हमको करना चाहिए, हमारी आवश्यकताएं मांगते हैं, आई अप्रिशिएट दैट, मांगना चाहिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई चीज ना मांगे, क्योंकि हमें मिलता नहीं। तुझे इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं हो, मांगते नहीं हो मतलब मांगते तो हो, लेकिन मेरी इच्छा के अनुसार नहीं मांगते हो, इसलिए कहता है मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। खुदावंद ये जीवन तू देना चाहता है, दे, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। खुदावंद ये चीज मुझे आवश्यक है, दे, नहीं देगा, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो।
और तेरी इच्छा में मेरा फायदा है, मेरी इच्छा में मेरी फायदा नहीं है, मतलब आई हैव एवरीथिंग आई विल गेट विद योर विश एंड वे, तेरी इच्छा से मैं उसको प्राप्त कर सकता हूं, नहीं तो नहीं पा सकता हूं। क्योंकि स्टॉर्म जो आता है जीवन में हमें आगे बढ़ाने के लिए आता है। और देखिए जैसा कि स्मॉलेस्ट प्रेयर पतरस ने जब पानी पर चलते चलते देखा यीशु मसीह को देखना भूल गया तो डूबने लगा, सोचा होगा इधर तो मैं चलता हूं अब तो चलने लगा हूं। जब अपने पे घमंड आ गया, घमंड जब उसके अंदर में आया होगा मैं सोचता हूं, और यीशु मसीह से निगाह हटी होगी तो वो डूबने लगा। जैसे डूबने लगा तो ही प्रेड स्मॉलेस्ट प्रेयर, और क्या बोलता है, लॉर्ड सेव मी, क्या बोलता है, लॉर्ड सेव मी, प्रभु मुझे, उसमें इंग्लिश में तो तीन ही बात है, इंग्लिश में हिंदी में चार बार बोले, हे प्रभु मुझे बचा, हे प्रभु मुझे बचा। एक्चुअल नीड उसने वहां पर डिक्लेयर करके डिमांड किया है, जी ये चीज मैं चाहता हूं मेरे जीवन में भी मेरी दुआ ऐसी रहे, हे खुदा मुझे बचा, हे प्रभु मुझे बचा। चार शब्द है, वो तो सात शब्द वाला किया है चुंगी लेने वाला, लेकिन ये जो है चुंगी लेने वाला क्या बोलता है, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, सात वर्ड्स का दुआ है, सेवन वर्ड्स विच जीसस सेड फ्रॉम द क्रॉस, कही सात वाणी का, सात वचन का, सात शब्दों की दुआ यहां पर। यहां पर देखिए तो चार शब्दों का, या इंग्लिश में तीन शब्दों का, हे प्रभु मुझे बचा करके इसने दुआ किया है और प्रभु ने बचा लिया है। ये जब बुझा अपने आप को नीचा करोगे ना, अपने अपने में अपने औकात में जब समझ जाऊंगा ना, हम जब समझ जाएंगे ना खुदा के सामने, तो वो हमारी आशा सारी चीजें पूरी कर देगा। He is the hope, आशा वही है, आशा आनंद और सब कुछ वही है, स्वर्गीय जीवन वो तुझे देने वाला। जैसे ही मैं डूबने लगू आई शुड प्रे, हो गॉड सेव मी, लॉर्ड सेव मी, मैं फादर सेव मी, खुदावन मुझे बचा ले। और जब ये प्रेयर हम करते हैं ना, तब वो जो है हमको उत्तर देता है। मैं आपसे विनती करता हूं कि अपने व्यक्तिगत जीवन में आज की परिस्थितियों में ये दुआ करिए कि खुदावन इस पैंडेमिक से हमको क्या सिखाना चाहता है, घर में रह के घर का आपसी परिवार का प्रेम बढ़ाना चाहता है, कलिसिया को नहीं तो घरों में रहकर हाउस चर्चेस के रूप में, हम जूम के माध्यम से और दूसरे फेसबुक के माध्यम से, इसके माध्यम से हम स्तुतिगान कर रहे हैं, इसमें तू हमें आशीष दे, हम बढ़े, हम आगे बढ़े। और लेकिन खुदावन एक चीज है, परमेश्वर के दासों के लिए जो कुछ है वो दान भी तुमको कमती नहीं करना चाहिए, जो कुछ परमेश्वर का देना है उसको हमें देना चाहिए। वॉट एवर वी हैव टू गिव वी शुड गिव, वी मस्ट गिव, वी ऑट टू गिव, और ये हमको देना पड़ेगा, ये परमेश्वर की चीजें हमको देनी पड़ेगी, उसकी सेवा में कोई कमी नहीं आने देना चाहिए। और ये कहीं से आए चाहे ना आए, मेरे घर में मेरे पास जो है इससे मैं दूसरे को कर सकता हूं। एक जगह फैमिली प्रेयर मीटिंग हो रहा था, तो उसमें दुआ करता है घर का मुखिया कि खुदावन मेरे पड़ोसी को भूखा मर रहा है, उसकी सहायता कर, बेचारे गरीब को, उसको खाने के लिए कुछ दे दे मेरे बाप, करके दुआ कर रहा था। दुआ होने के बाद उस बच्चा एक छोटा वाला क्या बोलता, पापा जी पड़ोस में है ना, अपने घर से ले जाके दो ना, अपने पास है ना, अपन दो ना, पहले अपने दो, उसको काहे को बोल रहे हो, बाद में कहेंगे, अपन अपने पास नहीं रहेगा तब अपन दुआ करेंगे। कितना बड़ा लेसन दिया है ना, मेरे पास है और मैं नहीं दे रहा हूं, मैं खुदा से मांग रहा हूं। याद रखना, पहले मेरे पास जो है, मेरी औकात जो है उसको मैं देखूं, मेरी चीज जो है उसको मैं देखूं, मैं क्या कर सकता हूं इसको मैं देखूं, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है ये देख सकता है, मेरे में क्या कमी है इसको मैं देखूं, मेरे में क्या खामी है इसको मैं देखूं, तब मैं दूसरों की तरफ देखूं, तब दूसरों की तरफ बढ़ूं, तब करूं, बाइबल पढ़ो, वचन पढ़ो, बातें करो, दुआ करो और उसके साथ सहभागिता करो। और क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह जैसा ही मेरे जीवन में आएगा ना, 6:21 के अनुसार सीधा वहां पहुंचा देगा जहां मेरे को जाना चाहिए। वो क्या है, अमन का जीवन, शांति का राजकुमार है, मेरी शांति देगा, आराम देगा। मैं बताऊं, जितने भी नुकसान भी होते हैं ना हमारे जीवन में, दैट इज आल्सो फॉर द बेटरमेंट। कभी कभी क्या होता है, हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है, और नहीं मिलता है वो भी हमारे भलाई के लिए होता है। कभी कभी हमको नौकरी जो है छूट जाती है, उसमें भी भलाई होता है कि मैंने कई जगह देखा कि उससे भी अच्छी नौकरी मिलता है, क्योंकि खुदावन जो है तुम्हारे साथ में है। याद रखना,
खुदा जो भी करता है वो हमारे भलाई के लिए करता है, मैं जो हूं सो हूं करता है। परमेश्वर हमारे साथ में है तो हमें कोई डर नहीं है, हमें कोई भय नहीं है, भय की आत्मा नहीं होनी चाहिए। क्यों कहता है कि चाहे ये स्टॉर्म जैसा आ रहा है सरकमस्टांशियल हो, चाहे ये स्टॉर्म जो है फियर का हो, चाहे ये स्पिरिचुअल हो, जो भी है स्टॉर्म्स को हम वी कैन कॉन्कर दो स्टॉर्म्स, हम उन तूफान आंधी पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, जय का जीवन प्राप्त कर सकते हैं। कितनी आनंद है ना, कितना शांति है। लॉकडाउन में फंस गए, सोचता हूँ, मैं सोचता था कि एक उम्र हो गई है, मैं कैसे सेवा करूंगा, क्या करूंगा, लेकिन पता नहीं शुरू से मैं दुआ करता था, खुदावन मेरे अंतिम सांस तक तू मुझसे अपना काम ले। अब देखिए मैं सोचा इनवैलिड हो गया, कोई मतलब नहीं है। अब जो है ये जूम मीटिंग और ये फेसबुक मीटिंग और ये मीटिंग, एंड आई एम बिजी मोर देन व्हाट आई वाज प्रीवियसली, पहले जो मैं बिजी था उससे कहीं ज्यादा हो गया। दिन भर वही सोचना, दिन भर वही करना, दिन भर वही पढ़ना, और जो है मेरे पास लिटरेचर वगैरह कुछ नहीं है, मेरे घर में छूट गया है, मैं कहां से करूं, इधर से खोजूं, उधर से खोजूं, बाइबल से खोजूं, क्या करूं। खुदावन मुझे दर्शन दे, मुझे बातें कर, मुझे आइडियाज दे, मुझे तू ले चल, मुझे आगे बढ़ा। ये खुदावन करता है, किया है, कर रहा है। हमारे जीवन में याद रखना मेरे दीदो, कभी भी निराश मत होना। इवन दो यू मे लॉस एनीथिंग, चाहे तुम धन संपत्ति नुकसान हुआ हो, चाहे परिवार का नुकसान हुआ हो, चाहे तुम्हारे किसी अंग का नुकसान हुआ हो, चाहे तुम्हारे किसी रिलेशन का नुकसान हुआ हो, चाहे जॉब का नुकसान हुआ हो, सोशली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, जैसा भी हो, जैसे साइकोलॉजिकली, जो भी डिप्रेशन है, जो भी है, ये सारी चीजें परमेश्वर के कदमों पर रख कर कहो, खुदा तू है मेरे नाव में, मैं तेरे साथ में हूं, एंड व्हेन यू आर विद मी नथिंग कैन स्टॉप मी। जब तू मेरे साथ में है मेरे लिए मेरे जीवन में कोई अवरोध नहीं है, सारी चीजें मिलकर भलाई ही उत्पन्न होती है, जैसे रोमियो में कहा है, उनके लिए जो उन पर उसके अनुसार चलते हैं, उसके बुलाए हुए हैं, उन पर वो आशीष देता है, और हम उसके बुलाए हुए बन जाएं, हम उसके चाहते बन जाएं, हम उसके फेवरेट हो जाएं। क्या करना, सिर्फ यही करना है कि खुदावंद मैं पापी हूं मुझे बचा ले, एक छोटी सी दुआ सारी चीजों का हल निकल जाता है। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ आखिरी में, देखिए उसका नाम तो मेरे को याद नहीं, कोई नाम है एक आदमी का, वो जो फिर शिपिंग करते करते जाके एक द्वीप में फंस गया और अकेला हो गया, उसके जो है नाव वाव सब टूट टाट गया, सब कुछ हो गया, जो डैमेज हो गया, और वहां पर रेत में पड़ा हुआ एक द्वीप जैसा है, नो कोई मनुष्य वहां पर, कोई आदमी, कोई जीव नहीं मिल रहा। उसने क्या किया, पेड़ वगैरह काट काट के झोपड़ी जैसा बनाया, कुछ किया पत्थरों को रगड़ रगड़ के, कुछ करके आग बनाया, आग बना के कुछ करता था, नारियलों के पेड़ बहुत थे, नारियल खाता था, और कुछ उसके पत्ते वत्ते ला के, कुछ को भून के, कुछ करके केले वगैरह जो ला के उनको करके, कुछ कुछ करके, पानी तो है यहाँ लेके, कुछ कुछ करके जीने लगा। कुछ दिन हुआ, कुछ दिन चाहे एक आध हफ्ता हुआ, उसके बाद जो है एक बार जो है ये आग ही तो रब जल ही रहता है, बुझेगा तो फिर बताना पड़ेगा, जाके वो कहीं नारियल वगैरह तोड़ रहा था, हवा आई और ये झोपड़ी बनाया था जिसमें रहता था, ये आग उसमें लगी और वो जल के राख हो गया, एंड एवरीथिंग बिकेम एशेस, सब कुछ राख हो गया। दूर से देख के दौड़ दौड़ के आया, सिर पटक पटक के रोया और कहता, खुदावन एक सहारा मेरा था ये भी तू ले लिया। रात को रेत पे सोया और ठंडी थी, सोते सोते कहा आत्महत्या ही कर लूं तो अच्छा रहेगा, अब जीने का कोई फायदा नहीं है। दूसरे दिन सवेरे उठा तो देखा एक बड़ी सी जहाज सायरन बजाते हुए चले आ रही है, देख के आश्चर्य हो गया। वो क्या है कि लाइफ सेविंग जो बोट बड़ी होती है ना, वो वाला जो है शिप चले आ रहा था, चले आया। उसमें से नाविक जब उतरे, इसने पूछा यहाँ पर तुम कैसे आए हो, तो बोले तुमने सिग्नल दिया हम यहाँ आ गए। बोले क्या सिग्नल दिया, आग की लपटें दिखाई दे रही थी रात को, झोपड़ी जल गई, आदमी बच गया। उस घड़ी में क्या हुआ, उस जलते समय यदि कोई जलता, देखो खुदा है तू विश्वास कर तो चलता, छोड़ कौन सा खुदा, यहां तो सब कुछ राख हो गया, मेरे पास क्या है। लेकिन आउट ऑफ दो दैट एशेस यू विल रिसीव ब्लेसिंग्स, तुम्हारे अंदर में आशीष आएगी। जीवन में कोई कमी घटी कभी नहीं होता है। मेरे बेटे मेरे पास आओ, आई विल नेवर फॉरसेक यू, मैं कभी तुझे नहीं निकालूंगा।
मेरे पास आओ, ओपन इनविटेशन कहता है। और क्या बोलता है, हे पिता मैं बार बार कहता हूँ इन्हें क्षमा कर, कितने बार बोलूं मेरा दिल नहीं भरता, मेरी आवाज नहीं खत्म होती कि खुदा इन्हें बचा ले, क्यों क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते मेरे बच्चे नादान हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं नहीं जानते, एक बार माफी कर दे। और एक बार माफी में हम जब आ गए ना, हमारा जीवन बच जाएगा। याद रखना कि जब अमेजिंग ग्रेस गाएंगे, याद रखना तूफान जो है जॉन न्यूटन को बचा लिया। ये डेट भी मेरे पास लिख के रखा हूं, 10th March 1748 को था जिसने मर्सी मांगा, उसने लॉर्ड शो योर मर्सी, लॉर्ड्स मर्सी कैन ओनली सेव। फिर बोला व्हाट आई सेड, व्हाट इज दैट मर्सी, ये दया क्या है, मर्सी क्या है, मर्सी क्या है। बाइबल पढ़ा, प्रभु को पाया, इतना तक पाया कि अंतिम सांस तक वो प्रभु में बना था। शायद यही बोला था क्या कि मैं ग्रेटेस्ट सिनर हूं इस धरती पर और वो ग्रेटेस्ट सेवियर है मेरा प्रभु, ये दो चीजें महान है जो जिंदगी में मैं कभी नहीं भूल सकता। याद रखना मेरे जो आज के इस समय के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु अभी अब जहाँ आज मैं अपने नाव में हमारे जीवन की नैया में है, याद रखना जीवन जब धारा बह रही है ना, जब करंट चलता है पानी का, उसके विरुद्ध हमको जाना पड़ता है। मत क्या बोलता है, कॉन्ट्ररी है, हवा हमारे विरुद्ध थी, हवा विरुद्ध है, जब विरुद्ध हवा है खेते जाओ, तुम मेहनत करो, खुदा है तुम्हारा सहायता करेगा, डोंट बी डिसअपॉइंटेड। हाँ नहीं तो फिर पानी में कूद जाओ, वो पानी के धारा के साथ बह जाओ, कुछ नहीं करना पड़ेगा, उस धारा में बहते जाओ, अंत तक खत्म हो जाओ, अनंत नाश, और इधर तुम विरुद्ध जाओगे अनंत जीवन, करंट के साथ जाओगे इजी गोइंग है, नाश हो जाओगे। मेहनत करोगे आत्मिक तौर से, स्पिरिचुअली स्ट्रगल करोगे, स्ट्रेंथन होगे, एक्सरसाइज होगा, स्ट्रेंथ मिलेगा, स्वर्गीय धाम में रहोगे। याद रखना आज के इस वचन को हमारे कानों में गूंजने दो, हमारे परिवारों में गूंजने दो, और प्रभु की दया हम पर बनी रहे। आप सबों को खुदा आशीष दे, भरमार आशीष दे। गॉड ब्लेस यू माइटीली, गॉड ब्लेस यू, और वो अपने छिदे हाथों से तुमको छुए और तुम्हारे ऊपर आशीष दे, तुम्हारे घरों में दे, तुम्हारे कलीसिया में दे, तुम्हारे जीवन में अमर और चैर की जीवन दे। ये मेरी तुझसे दुआ है, खुदा तुम्हें आशीष दे। God bless you and thank you so much for giving me this opportunity and bearing me. Thank you so much. God bless you. Amen. आइए हम दुआ करें। खुदावन धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, तेरे वचन के लिए खुदावन, जो कुछ भी तूने हमसे बातें की होने दे कि हमारे व्यवहारिक जीवन में रह सके, उतर सके, अमल में ला सके। आज के परिस्थितियों के अनुसार खुदावन हम सारी परिस्थितियां तेरे अधीन करते हैं और सारे आंधी तूफान को तू खत्म कर और हमें खुदावन एक चैन का जीवन दे ताकि तेरे नाम से हम तेरे मंदिर में जाकर तेरी इबादत कर सके। जितने भी फ्रंट लाइन में कर्मचारी हैं सारे लोगों पर तेरी कृपा अनुग्रह चाहते हैं। आज के इस सहभागिता को आशीषित कर दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता
और संगत ने की सारे कार्यक्रम में सुनने वालों के साथ आपसे लेके हमेशा तक बनी रहे। आमीन।